आलसी दामाद और चुड़ैल। एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू बहुत ही आलसी आदमी था। उसे काम धाम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो गांव की एक अमीर लड़की रीमा से शादी करके उसके घर पर घर जमाई बनकर रहने लगा। रीमा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। माँ हर वक्त बिरजू को कुछ काम करने के लिए कहती, लेकिन बिरजू को तो बस सारा दिन घर पर रहकर आराम करना ही अच्छा लगता था। अरे बेटा बिरजू, तुम आखिर कब तक ऐसे खाली बैठे रहोगे? तुम कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेते? कुछ ही दिनों में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, वो तुम्हें ऐसे बेरोजगार देकर तुमसे क्या सीखेंगे? इसलिए मैं कहती हूँ कि बाहर जाकर कुछ काम करो, कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमसे कुछ शिक्षा ले सके। समझे मेरी बात को? अरे सासू माँ, मैं कोई अपनी मर्जी से ही बेरोजगार थोड़ी ना हूँ। देखो ना, मैं जब भी कोई बड़ी नौकरी करने जाता हूँ तो वहाँ का मालिक मुझे आलसी कहकर नौकरी से निकाल देता है। और आपको तो पता ही है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे में अगर मैं कोई छोटी मोटी नौकरियाँ करूँगा तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, आप ही बताइए। देखो बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। तुम छोटी नौकरी ही कर लो, कम से कम थोड़े पैसे तो कमा कर लाओ इस घर में। अरे आज इस बुढ़िया को क्या हो गया है, मेरे पीछे ही पड़ गई है। जब देखो ज्ञान बांटती रहती है, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं। तभी रीमा वहाँ आ जाती है। अरे माँ तुम भी ना, क्यों बिरजू के पीछे पड़ी हो? हमारे पास क्या पैसों की कमी है जो तुम बिरजू को काम करने को कह रही हो? तुम उसे आराम करने दो, जब उसका मन होगा तो काम कर लेगा। रीमा माँ को समझाकर चुप करा देती है, लेकिन माँ बिरजू के बेरोजगारी से तंग आकर हर वक्त उसे ताना मारती रहती है। इस बात से बिरजू बहुत परेशान हो जाता था। ऐसे ही समय बीतता गया और माँ बहुत बीमार हो गई। वो अब अपनी पलंग से उठ भी नहीं पाती थी। ऐसे में बिरजू को ही अपनी बूढ़ी सास की देखभाल करनी पड़ती थी। इस बात से वो बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन अचानक माँ की पलंग पर लेटे लेटे ही मौत हो जाती है। सभी लोगों को उनकी मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन समय के साथ वो लोग माँ को भूल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बिरजू को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी पत्नी रीमा से पैसे मांगता है। अरे रीमा, वो क्या है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। तुम देखना, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आऊँगा। लो लो, मुझे जल्दी पैसे दो। अजी मैंने तो कल ही आपको बहुत सारे पैसे दिए थे और आज आप फिर पैसे मांग रहे हैं। देखिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कभी सोचा है आपने? देखिए अब से मैं आपको पैसे नहीं देने वाली, अगर आपको पैसे चाहिए तो जाकर कोई काम कीजिए। ये कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। अरे सत्यानाश हो इन माँ बेटी का, उस बुढ़िया से छुटकारा मिला तो अब ये रीमा भी मुझे ताने देने लगी। अब क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं मैं? तभी बिरजू की नजर माँ के कमरे में जाती है। हाँ ये सही रहेगा, बुढ़िया तो मर चुकी है, अब उसके कमरे का सामान तो किसी काम का नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं उन सामानों को बेच देता हूँ, उससे थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। फिर जब रीमा बाहर गई होती है, तब बिरजू गांव के एक व्यक्ति रामू को बुलाकर उसे माँ के कमरे का सारा सामान बेच देता है। उस सामान में वो पलंग भी होता है जिसमें माँ की मौत हुई होती है। रामू एक बड़ी गाड़ी में सामान भरकर ले जा रहा होता है। अरे वाह, ये सामान तो हमको काफी कम दाम पर मिल गया है, हमारी पत्नी और बेटी तो इतना सारा सामान देखकर फूले नहीं समाएंगी। अरे हम निकला गड्डी लेके और रस्ते पे हर सड़क पे एक मोड़ आया, हम सारा सिग्नल तोड़ आया। पांक, पांक। ओ, एक मोड़ आया, हम सारा सिग्नल तोड़ आया। तभी अचानक उसकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। अरे अरे ई का हो रहा है भाई, यहाँ तो कोई ब्रेकर नहीं है, फिर हमारी गाड़ी ऐसे झटके काहे खावत है। रामू गाड़ी रोक लेता है और पीछे जाकर सामान को चेक करने लगता है।
रामू देखता है कि पलंग से तो खून निकल रहा है। अरे अरे मर गया, अरे ये पलंग पर खून कैसे लगा हुआ है? फिर थोड़ी देर बाद खून अपने आप गायब हो जाता है। अरे ई का ई खून अपने आप ही गायब भी हो गया, लगता है ये सब हमारा वहम है। ये सोचकर रामू सीधे अपने घर चला जाता है। सामान देकर उसकी बीवी और बेटी बहुत खुश होती हैं। रामू वो सामान अपनी बेटी नेहा के कमरे में रखवा देता है। फिर एक रात जब नेहा सो रही होती है, तभी अचानक वो हवा में ऊपर उठने लगती है। अरे मैं इतना ऊपर कैसे आ गई? बचाओ बचाओ, पापा मम्मी बचाइए, मैं हवा में उड़ रही हूँ। रामू और उसकी पत्नी सरला भागे भागे नेहा के कमरे में जाते हैं, लेकिन तब तक नेहा नीचे आ जाती है। अरे क्या हो गया नेहा, तुम चिल्ला काहे रही हो? देखिए पापा, मैं हवा में उड़ रही हूँ। अरे नेहा बेटी, तुमको बिना रात में मजाक सूझ रहा है? अरे तुम तो अपने पलंग पर ही हो। अरे पता नहीं पापा, मैं नीचे कैसे आ गई, जबकि मैं तो हवा में ऊपर उठ रही थी, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें तुम पर यकीन है। ऐसा करो, तुम हमारे कमरे में जाकर सो जाओ, हम लोग यहाँ तुम्हारे कमरे में सो जाते हैं, ठीक है? नेहा ऐसे ही करती है। कुछ देर बाद जब रामू और सल्ला सो रहे होते हैं, तभी उनका पलंग हवा में ऊपर उठ जाता है। रामू और मंजू डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अजी ये पलंग अपने आप कैसे हवा में उड़ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अरे कोई तो बचाओ हमें। ये सुनकर नेहा वहाँ आती है। अपने मम्मी पापा को ऐसे हवा में देखकर वो डर जाती है। वो सीधा बाहर जाती है और कुछ गांव वालों को बुलाकर लाती है। अरे वाह रामू भाई, ऐसा मजेदार झूला कहाँ से बनवाया तुमने, ये तो बिना रस्सी के ही हवा में लटक रहा है। अरे बेवकूफ, ये कोई झूला नहीं है, अरे ये तो हमारा पलंग है, पता नहीं भैया कैसे ये हवा में उड़ रहा है। अरे दीनू देख क्या हो रहा है, जल्दी से हमारी मदद कर भाई। तभी दीनू पलंग को रोकने के लिए जाता है। वो पलंग को जैसे ही पकड़ता है, उसे जोर की ठोकर लगती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। हाय मार डाला रे। अरे भाई इस पलंग को नीचे लाना तो बहुत मुश्किल काम है। तभी नेहा बजरंगबली की मूर्ति लेकर पलंग के पास जाने लगती है। अरे नेहा बेटी तुम यहाँ मत आओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन नेहा रुकती नहीं और पलंग के पास खड़ी हो जाती है। फिर पलंग अपने आप नीचे आ जाता है। अचानक वहाँ माँ की आत्मा आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। पापा मुझे पता था कि ये कोई बुरी चुड़ैल ही है जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन अभी हमें परेशान नहीं करेगी क्योंकि बजरंगबली हमारे साथ है। बेटा मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अरे तो फिर यहाँ तुम आकर इन भोले भाले लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? मैं इस पलंग के साथ यहाँ आई हूँ, मेरी आत्मा इस पलंग में बसी हुई है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई? मेरी मौत ऐसे ही नहीं हुई, मेरा खून हुआ है और मेरा खून मेरे नालायक दामाद बिरजू ने किया है। दरअसल मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी रीमा के नाम करने वाली थी, लेकिन बिरजू चाहता था कि सारी दौलत उसकी हो जाए। उसने मुझसे बहुत विनती की, लेकिन मुझे पता था कि बिरजू मेरी सारी दौलत अपनी बुरी आदतों में लुटा देगा, इसलिए उसने मेरी जान ले ली और मेरी बेटी को लगा कि मैं बीमारी से मरी हूँ। उसने तो कई बार मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं उस घर में थी रीमा की रक्षा करती थी, लेकिन फिर उसने ये पलंग तुम्हें बेच दिया और मैं पलंग के साथ यहाँ आ गई। अब वहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में है, कृपया करके उसे बचा लो। अरे माँ जी आपके साथ तो बहुत गलत हुआ, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर आपकी बेटी को बचाएंगे और उस बिरजू को सजा भी दिलवाएंगे। माँ इस बात से बहुत खुश होती है। फिर सभी लोग उसी वक्त पुलिस को लेकर बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू ने रीमा को रस्सी से बांध दिया होता है और बिरजू रीमा को मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस तरह माँ को इंसाफ मिल जाता है और बिरजू को सजा हो जाती है। फिर माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। हाँ मजा आया ना कहानी देख के, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।